भाई एबीपी थोड़ा बाजू हो जाओ। कभी ऐसा नहीं कि वो सामने स्टार्डम के सामने आए, अलग रहे हमेशा। बाइक पूरी कर दे, साइलेंस हो जाओ, बाइक पूरी कर दे। लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऐसे आर्टिस्ट जिनको पब्लिक छोड़ना नहीं चाहती, तो वो स्टेज में आग देख रहे थे, अगर वो टावेल ले रहे हैं तो वो हर एक को होता है, ये जोश होता है और हर आर्टिस्ट चाहता है कि ऑडियंस उसकी पागल हो जाए। तो केके में ऐसी बात मैं थी नहीं बोल सकता, केके के गानों में ऐसी बात है कि हर इंसान, हर उम्र का
हर उम्र के लोग उसके गानों को सुनते हैं। सिर्फ आज से नहीं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, जब मैंने शुरू किया था मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया। और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी का फ़ैन नहीं होता हूँ। किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फ़ैन बनाऊँ, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा रहूँगा। मेरे गानों, मेरे घर पे गाने केके का सबसे ज़्यादा चलते हैं। मेरा बेटा अभी कोशिश करता है गाने की, तो वो भी केके के ही गाने गाता है। सो ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो रूमर है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है वो नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था, लेकिन तबीयत खराब थी वो, मुझे लगता है कि वो होटल चले गए। उसकी जगह अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए जहाँ पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो शायद आज हमारे बीच। आपके परिवार से बात करने के लगता है कोई बीमारी कभी थी तो थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, उनके जो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। एक बार फ्लाइट में केके मेरे साथ था, हम भी उसी समय कलकत्ता ही जा रहे थे, सेम डे हमारा शो था एक जगह। केके ने मुझे उसी टाइम फ्लाइट से अपने डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर शेट्टी जो होम्योपैथिक है। मैंने उस आज सुबह बात किया, बोला केके को कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई वो जितना मीडिया में आ रहा कि लिवर का प्रॉब्लम था, कुछ नहीं था। सिर्फ उसको आजकल थोड़ा सा पेट का गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम था। केके बिल्कुल फिट आदमी है, फिट आदमी था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। অভিজিৎ দাদা भाई भाई वो ब्लू शर्ट मला पण दाखवले कधी तरी। लेकिन आप लोगों मुझे यहां पे ये लोग जो नहीं नहीं क्या हो गया अभी आप से चले ऊपर भी नहीं रहा, मैंने उसको उतारा आप लोगों के लिए। हां मैंने उतारा उनके लिए क्या अरे कसा पहिले पूरा नहीं होता था ना कितना बड़ा लॉस है सर? आप तो जानते ही हैं केके का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। कमाल का आर्टिस्ट, बहुत ही लाजवाब इंसान, एक कमाल के इतने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में, बट बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो इतने दिलदार हैं और हमेशा खुशियाँ बनाते हैं। He's my colleague. Thank you. अरे सब पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ। चलो चलो बैक टू वर्ल्ड, बैक टू वर्ल्ड। ये मतलब ये कि ए पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ, ये भाई पीछे आ जाओ। चलो अंदर, बाइट दो नहीं नहीं ये दसरा आदमी आओगे सर। यस पीछे से क्लियर क्लियर।
यंग बॉयज जो भी गाया है उसको सुपर हीरो है, क्योंकि वो अंदर से भी बहुत शरीर का बहुत अच्छा इंसान है। अरे लाना केबल इधर लेना जगह से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। क्यों कर रहा है साइड साइड दे के हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर, बहुत अच्छा परफॉर्मर और बहुत अच्छा इंसान था। तो खाली इंडस्ट्री नहीं, पूरा देश जो है वो आज शोक प्रकट कर रहा है, और ये लॉस को हम कैसे पूरा करेंगे ये हमें पता नहीं। एक से गाने गाया चढ़ा पड़ा पहना आज भी लोगों को याद है। समीर थोड़ा सा पार्टी मांग सर को अच्छा लगा क्या पार्टी मांग सर को तुम्हें सब लोग तिकडे बसली
ये कौन सी किसकी आ रही है ब्लैक कैमरा सिखाने का टाइम नहीं है वो सिखाने का नहीं विजुअल ले रहा हूँ फ्रेम बना रहा हूँ मोरा फ्रेम का जवाब फ्री कर पड़ा इसमें भाई छुपने का हाँ रुक जा नहीं भाई तू वो साइड से बैठी बट आने का नहीं मिला बात है वो साइड से बैठी यार यार इधर बीच में सब अंदर ही भी जा रहा सामने सामने झाड़ है दुर्गेश कट हाँ क्योंकि तू बताया था ना मेरे को तुझे दिया था कॉपी करने मेरे को